त वाले में न है ना, तो ये दंत त से आगे क्या लगा, न। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे ठंड ठंडी, तो देखिएगा ठन, अगर मैं ठंडी ऐसे लिखता हूं ठंडी, तो क्या होगा इसमें अण आता है, तो यहां क्या आया अण ऐसा। कंठ कंठ हम बोलते हैं ना कंठ, तो मैं यहां लिखता हूं कं कंठ, तो यह क्या अण आया, क्यों, क्योंकि यहां पे थ के साथ में अण है। तो ये थोड़ा सा आपको ग्रामर ध्यान रखना है, और बीच बीच में जहां जरूरत होगी आवश्यकता अनुसार मैं आपको बताते रहूंगा। पिछले श्लोक पिछले सेशन में हमने कवर किया था, 17 श्लोक तक हम गए थे। एक अध्याय का 15वां जो श्लोक है वो है पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा विकोदरः। दूसरा श्लोक था 16वां अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पकौ। तो इस तरह से हमने ये सारे श्लोक खत्म कर दिए थे, हमने समझने की कोशिश किया था। अब आज से हम श्लोक नंबर लेने वाले हैं 1, 19 और 1, 20। मिस लीजिए। सघोषो राष्ट्रधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारय नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। ये बहुत ही समझने वाली वाला श्लोक है। यहाँ पे हमने आपसे एक चर्चा किया था कि नभश्च पृथिवीं, नभ मतलब क्या हुआ पूरा आकाश, और पृथ्वी यानी पूरी पृथ्वी। आप अगर थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में जाएं, आपका भूगोल आपने स्टडी किया है स्कूल में, अगर भूगोल में आप जाते हैं तो आपको अंदाज मिलेगा पृथ्वी का अर्थ क्या हुआ, पूरी पृथ्वी, और नभश्च मतलब पूरा आकाश, पूरा आसमान, यानी आकाश का कोई लिमिट नहीं है। पृथ्वी इतनी बड़ी, तो कह रहे हैं कि ऐसी आवाज हुई किसकी वजह से, जब पांडव पक्ष से नाद होता है, शंख आवाज करते हैं, शंख ध्वनि होती है, जब श्लोक नंबर मैंने बताया है आपको 16, 15, 16, 17 और 18 में कि कौन कौन से लोग शंख करते हैं। 15, 16, 17 और 18 में शंख मृदंग नगाड़े ट्रम्प सो बहुत सारी चीजों का ध्वनि होती है, मतलब युद्ध की घोषणा। अब यहाँ पे समझने की बात है कि युद्ध की घोषणा में शंख नाद करके पहले किसने कहा, पहले कौरव ने, क्यों, क्योंकि उसने आपने देखा कि पहले भीष्म ने उसकी घोषणा की, पहले पांडव पक्ष से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है, पहले कौरव पक्ष से उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया था। तो जब कौरव पक्ष से लिया तो इधर से रिएक्शन नहीं है, इधर से रेस्पॉन्स है, इधर से प्रति संवेदना की गई, उनको बताया गया कि देखो आपने जो चैलेंज हमको दिया है वो चैलेंज हम स्वीकार करते हैं। दूसरी कौन सी बात आई, उधर से भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, और इधर से किसने प्रारंभ किया, भगवान कृष्ण ने। इधर किसको करना चाहिए था, अगर ऐसे देखने जाए नियम के हिसाब से जो युद्ध का था कि भाई उधर से जो सेना नायक है इधर से भी सेना नायक होना चाहिए, तो इधर भीम थे या द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न थे या बड़े भाई युधिष्ठिर थे, उनको करना चाहिए था, लेकिन किया किसने, सबने मिलके शरणागति स्वीकार की, किसकी, भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान श्री कृष्ण को कहा आप ही आगे रहो, यानी भगवान को आगे करके जब आप चलते हैं, यहां से हमको क्या सीखना है, जीवन में कोई भी संकट आए, परिस्थितियां कोई भी आए, चाहे महाभारत जैसा युद्ध ही क्यों ना सामने खड़ा हो, चाहे आप युद्ध करना चाहे नहीं चाहे, लेकिन मजबूरी में भी अगर आपको युद्ध करना पड़ता है तो भी आपको सबसे आगे किसको रखना है, भगवान को रखना है कि हे प्रभु आपकी शरणागति है मैं हूं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप जैसा भी आगे करवाना चाहें करना चाहें उसके अनुसार मैं चलूंगा या चलूंगी। इसलिए यहां से हमको क्या सीखने को मिला कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले शंखनाद किया,
कौन सा, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त। उसके बाद उसी रथ पर बैठे हुए अर्जुन, एक और प्रश्न मेरे पास कल ही किसी का फोन आया था, एक व्यक्ति बहुत ही जल्दी से उन्होंने अभी ज्वाइन किया है सेशन कल ही, उन्होंने मुझसे पूछा कि इतनी बड़ी भगवद गीता में इतने सारे लोग युद्ध में खड़े थे, 18 अक्षौहिणी सेना, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों गीता उपदेश दिया, सबको उपदेश देना चाहिए था तो सभी लोग इससे लाभान्वित होते। भाई आपका प्रश्न बहुत ही उचित है, समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जो योग्य होता है, जो भगवान के लिए पूर्ण समर्पित होता है, उसको ही भगवान कुछ न कुछ अपने अनुसार, उसके क्वालिटी के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार, भावना के अनुसार उसको देते हैं। अर्जुन पूरी तरह से शरणागति को प्राप्त हुआ था, पूरी तरह से, अभी आप देखेंगे इसके आगे वाले श्लोक में, पूरी तरह से शरणागति को प्राप्त हो गया। कि आप जैसा कहो, अब आप ही डिसाइड करो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे शरणागति किया। तो पूर्ण समर्पण का भाव हमें जीवन में रखना चाहिए, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, आपका खुद का बिजनेस है, आपका समाज, परिवार, देश, राष्ट्र, जहां भी आप जिस भी पोजिशन पे हैं, आप किसी भी पोजिशन पे हो सकते हैं, नीचे, बड़े, ऊपर, कहीं भी, वहां समर्पित भाव से अगर आप रहते हैं तो भगवान कृष्ण आपको आशीर्वाद देने आएंगे और आपका उद्धार करेंगे, आपको ऊपर की ओर ले जाएंगे, मोह से मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। यह भगवान का निश्चित किया हुआ वचन है। यहाँ पे सघोषो राधार्थ राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्। धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के जो लोग थे, समझिए कि जब पूरा पांडव, श्लोक नंबर देखिए, श्लोक नंबर 15 में भगवान से लेकर के 16 में अनंत विजय राजा, अनंत विजयम राजा, 17 में काश्यश्च और 18 में द्रुपदो से लेके सभी पृथक पृथक सबने अलग अलग शंखनाद जब किया तो होता क्या, रिजल्ट क्या आया, आप समझो रिजल्ट क्या आया। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के जो लोग थे, अर्थात कौरव पक्ष के जो लोग थे, कितने, 11 अक्षौहिणी सेना, एक दो नहीं, 11 अक्षौहिणी जो सेना थी धृतराष्ट्र के साइड, अर्थात कौरवों के साइड में, उनका क्या हुआ, केवल आवाज सुन के उनको भयानक पना लगा, अर्थात डर गए। अब आप एक बात बताइए कि जब जहां कृष्ण से प्रारंभ होता है वहां डरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या आया कि भयानक उनको सुनाई दिया, किसको, कौरव पक्ष के लोगों को, भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर वगैरह जो लोग हैं, जो इतने दिव्य लोग हैं, उनके शंख की आवाज किसको भयानक सुनाई दी, कौरव पक्ष के लोगों को भयानक सुनाई दी। लेकिन एक चीज समझिएगा, जब मैं अंदर से झूठा होऊंगा, जब मैं अंदर से अपवित्र होऊंगा, जब मैं अंदर से पापी होऊंगा, तभी जाकर के दिव्यता मेरे लिए दुश्मन बनेगी। अर्थात जब अच्छी बात मेरे सामने की जाएगी, या मैं अच्छा, कोई मेरे सामने अच्छा कर रहा होगा और मेरे अंदर पाप छिपा होगा, तो उस अच्छे वाले से मुझे जलन होगी, उस अच्छे वाले से मुझे क्या होगा, डर लगेगा। तो कहा कि जब इतनी अच्छी मधुर दिव्य शंखों की आवाज आई, वो दिव्यता का अनुभव उनको नहीं हुआ, उस दिव्यता की जगह कौरव पक्ष के लोगों का हृदय डर गया, विदीर्ण हो गया, अर्थात डर के हृदय के अंदर ऐसे जैसे भाला चुभो दिया गया हो, अंदर कांटा चुभो दिया गया हो, हृदय फट गया हो, अंदर लोहू लुहान हो गया, इतना डर लगा उनको। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे हमको सीखना होता है, तो हम इससे क्या सीख रहे हैं कि जब भी कोई अच्छा कर्म कर रहा है उसे डरने की जरूरत नहीं है, आप उस अच्छे को आप अपने लाइफ में उतारिए, आप गलत कर रहे हैं तो उसको छोड़ के अच्छा करने की कोशिश करिए। तो आप अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे, अगर आपको लगता है कि मैं किसी इस काम से मुझे डर लग रहा है, कोई अच्छा कर रहा है उससे भी मुझे डर लग रहा है, तो मूल्यांकन करो, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं गलत हूं। आप पहली बार चोरी करोगे, मान लो मेरा फोन रखा है आपने चुरा लिया, तो पहली बार चोरी करेंगे तो क्या होगा पता है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाएगा, आप डरोगे, कांपोगे, किसी के सामने बोल नहीं पाओगे, नजर नहीं मिला पाओगे, आप छिप छिप के भागने की कोशिश करोगे, है ना। लेकिन जब दूसरी बार आप करेंगे तो क्या होगा, पहली बार तो मैंने कर लिया था, अनुभव अच्छा है,
तो थोड़ा डरोगे, कम पसीना होगा। तीसरी बार क्या होगा, एकदम डर नहीं लगेगा। और चौथी बार से तो आपकी आदत बन जाएगी। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है कि हैबिट्स मैन मेक्स द हैबिट और हैबिट मेक्स द मैन। मनुष्य पहले आदत बनाता है और बाद में आदत से मनुष्य बन जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये कौरव पक्ष के लोग अंदर से इतने ज्यादा, उनको पता था कि हम गलत कर रहे हैं, इसीलिए वो दिव्यता से डर गए। और दिव्यता की आवाज सुनते ही उनके डर हृदय के अंदर कंपन होने लगा, हृदय जो है उनका साथ देना छोड़ दिया, विदीर्ण हो गया। विदीर्ण आप समझो, केवल व्यथित नहीं हुआ, डर गया, कायरपन में चला गया, कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। उसको लगने लगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? अब यह आवाज कहां तक गई, पूरे आसमान में गई, पूरी पृथ्वी में गई। आप समझ लो आसमान और पृथ्वी कितना है, जहां क्षितिज मिलता है यानी पृथ्वी और आसमान जहां मिलते हुए दिखाई देते हैं, आप दो कदम वहां जाके देखो तो थोड़ा और आगे चला जाए। तो जन्मों जन्मों तक, सालों सालों तक आप चलते रहो, कभी आकाश और पृथ्वी मिलते हैं उस जगह पे पहुंच नहीं सकते। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि उन सभी जगहों तक ये आवाज गई। तो कितना आवाज हुआ, कितनी आवाज हुई होगी, और सामने वाले डर गए। तो ये एक यहाँ पे सारांश हुआ श्लोक नंबर 19। अब इसके बाद थोड़ा सा हम भगवत गीता के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। द्वारकाधीश के मंदिर में आप पहुंच चुके हो, अब लाइन में खड़े हो, अब पर्दा हटने वाला है और उसी समय आप वहां पे खड़े हो कि अब आप भगवान का स्मरण करें। तो आपसे प्रार्थना है जहां बैठे हैं वहां से प्रभु का स्मरण करना शुरू करें, क्योंकि अब हम भगवत गीता में प्रवेश करने जा रहे हैं, पर्दा खुलने की तैयारी में है। तो क्या है श्लोक नंबर 20, बहुत बढ़िया है, हाँ समझने की कोशिश करिएगा। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, आधा ना है, अदृष्ट्वा नहीं है, दृष्ट्वा। धातराष्ट्रान कपिध्वजः, ये बहुत अच्छा लिंक है, आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः, ये समझिएगा थोड़ा सा कि ये क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। जो घटनाएं अभी तक हुई उनको और आने वाली घटनाओं के बीच का ये लिंक है, ब्रिज है, ठीक है। तो नदी के एक साइड से दूसरे साइड में जाने का ये पुल का काम करने वाला है और करता है यहाँ पे। तो वो क्या कह रहे हैं, अथ अर्थात इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या व्यवस्थितान दृश्य, किसको व्यवस्थित देखा, सामने वाली की जो सेना है कौन सी, धातराष्ट्र, मतलब सामने कौरव पक्ष धृतराष्ट्र के संबंधियों को जो इतनी बड़ी सेना लेकर के खड़े थे अलग अलग रूप में, कोई घोड़ों पे था, कोई हाथी पे था, कोई रथ पे था। रथ की ऊंचाई, मैंने परसों में एक सज्जन से बात कर रहा था, पूछा कि रथ की ऊंचाई कितनी थी, तो रथ की ऊंचाई आज हमारा दो फ्लोर के बराबर थी, मतलब 18 फीट से लेकर के 21 फीट, ध्यान दीजिएगा, इतना ऊंचा रथ था और रथ के ऊपर ये लोग खड़े या बैठे थे। आप समझिए, कल्पना करो, आप आंख बंद करके रथ की ऊंचाई, मतलब आप सीढ़ी चढ़ के सेकंड फ्लोर पे चले गए तो उतनी हाइट का तो रथ था। अब उस रथ के अंदर, ठीक है, सीट भी होगी, बाकी कुछ होगा, उसके अंदर ये लोग बैठते थे, तो उनकी भी ऊंचाई कुछ हुआ करती थी। उसके ऊपर ध्वज था, क्या था, कपित ध्वज। मैंने आपको बताने क्यों मैंने ये बताया, क्योंकि कपित ध्वज, उसके ऊपर ध्वज था, ठीक है। तो ये जो ध्वज है, ये आप सोचो, कपि यहां पे हनुमान जी का, तो हनुमान जी ध्वज। अब समझो, हमारे जीवन में हनुमान नामक अनुशासन होना चाहिए, हमारे जीवन में हनुमान नामक, यहाँ पे ये ध्वज बुद्धि, यहाँ पे हमारे दिमाग में अच्छी सोच होनी चाहिए, हमारे अंदर समर्पित भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। हनुमान जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, भक्ति के लिए। हनुमान जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, अनुशासन के लिए। हनुमान जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मचर्य के लिए। हनुमान जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो जो कुछ भी हनुमान जी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी हमने हनुमान चालीसा, रामायण, रामचरितमानस, जिसमें भी जहां भी कहानियों के रूप में या जैसे भी सुना है, पढ़ा है, जाना है, वो सब आप अप्लाई करो और सोचो कि इतने बड़े रथ पे
हनुमान जी, जहां भगवान कृष्ण स्वयं है वहां हनुमान जी कपित ध्वजा की जरूरत क्या है, क्या आवश्यकता है। लेकिन नहीं, वहां भी प्रभु की कृपा से हनुमान जी का संरक्षण प्राप्त है। और हनुमान जी नामक जो अनुशासन है, जो हर एक चीज वहां पे उपलब्ध होनी चाहिए, हनुमान जी सबसे विनम्र है, हनुमान जी को कोई अहंकार नहीं है, आप समझो। तो जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हनुमान जी की है वो केवल एक शब्द में कह दिया, और सबसे ऊपर रथ के ऊपर कौन है, हनुमान जी है सबसे ऊपर। यहां पे पूरी सेना में अगर कोई दिखाई दे रहा था तो पूरी की पूरी सेना में, चाहे वो कौरव पक्ष की सेना हो और चाहे पांडव पक्ष की सेना, दोनों सेनाओं में किसी के सबसे ऊंचाई पे अगर कोई है तो वो हनुमान जी है। अर्थात आपकी जो भक्ति है, अर्थात आपका जो समर्पित भाव है, अर्थात आपके खुद का लोगों के साथ जो अनुशासन है, जो पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन, वो सबसे ऊंचाई पे होना चाहिए, चाहे धर्म की का साइड हो या यहां तक कि आप जानते हो जो दुनिया में सबसे ज्यादा अधर्मी हैं वो लोग भी अनुशासन में मानते हैं, वो लोग भी विनम्रता में मानते हैं, वो लोग भी ईमानदारी में मानते हैं। तो चाहे वो धार्मिक हो या अधार्मिक, लेकिन हनुमान जी की जो लाक्षणिकताएं हैं वो दोनों पक्ष में होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा ईमानदारी अधर्मी लोग जो होते हैं वहां पे होती है, हैं? सबसे बड़े जो गैंगस्टर हैं उनके भी कुछ राइटिंग में नहीं होता है, सब वर्बल चलता है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम कपित ध्वजा, जब भगवान के रथ पे, उस दिव्य रथ के ऊपर कपित ध्वजा है, जब हनुमान जी की का की लाक्षणिकता का वर्चस्व है वहां पे, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, क्या हुआ, अर्जुन उठा, ठीक है, वो तो खड़े ही थे, उठाया, क्या उठाया, शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव, अर्जुन ने शस्त्र चलने की अब तैयारी थी, अब सब शंख बज गए थे, सब कुछ हो चुका था, बस अब एक कदम रखने की जरूरत थी और युद्ध प्रारंभ, मतलब अगले सेकंड युद्ध होने की तैयारी थी। और उसी समय तुरंत वो श्री कृष्ण से कहते हैं, उठ करके प्रवृत्त होते हैं, मतलब धनुष वगैरह उठा लेते हैं, और अर्जुन कहते हैं क्या, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमा महीपते। बहुत सुंदर वाक्य है, मैं यहाँ पे आपको कहने के लिए कहूंगा, सुनने के लिए, कि यह वाक्य, ये सब संजय कह रहे हैं। संजय ने क्या कहा, महीपते धृतराष्ट्र को कहते हैं संजय, हे महीपते, अर्थात मही अपनी पृथ्वी, हे पृथ्वी के पति, पूरी पृथ्वी के पति। आप समझने की कोशिश करें कि संजय एक्चुअली अब सच्चाई को कहने जा रहे हैं। तो पहले संजय ने सोचा कि भाई इनको ऐसा कुछ कहूं जिससे थोड़ा प्रसन्न हो जाएं, तो उनको, क्योंकि ऊपर उन्होंने क्या कहा कि आपके सभी लोग डर गए, उनके अंदर व्यथित हो गए, उनके हृदय विदीर्ण हो गए। तो संजय धृतराष्ट्र अपने राजा को कह रहे हैं कि आपके लोग डर गए। तो एक तो पहले उन्होंने रिपोर्टिंग कर दिया, राजा को पसंद नहीं आया होगा, और आगे कह रहे हैं कि अब अर्जुन धनुष वगैरह उठा लिए हैं और उनके ऊपर कपित ध्वज हैं, और आपकी जो सेनाएं हैं व्यवस्थित हो गई हैं, सब कुछ सही है। तो उन्होंने सोचा अब आगे कुछ मैं कहूं या बोलने जा रहा हूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा इनको तो खुश कर दो। तो उन्होंने उनको महीपते, यानी पूरी पृथ्वी के राजा, पूरी पृथ्वी के मालिक, आप सुनिए कि अब ऋषिकेश आपको याद होगा किसका नाम है, भगवान कृष्ण का। क्यों, क्योंकि उनको सभी इंद्रियों पर उनका कंट्रोल है। ऋषिकेश यानी इंद्रियों का जो स्वामी है, जो हम इंद्रियों के दास हैं, समझिएगा, मतलब समझो ये इंद्रियां हैं अंदर, ठीक है, और हम इंद्रियों के दास हैं, यानी हम इंद्रियों के अंदर यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और भगवान क्या है, वो इंद्रियों का स्वामी है। तो ये भगवान कृष्ण है, ठीक है, ये कृष्ण है, और ये अंदर जो है ना, ये वाले, ये हम लोग हैं मनुष्य, ठीक है, ये हम लोग हैं, और ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण कौन, इन सभी इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियां या कर्म, सभी इंद्रियों के मालिक, इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के पति, पति यानी उनके कंट्रोल करने वाले। तो ऋषिकेशम तदा वाक्यम इद
इदमाह महीपते, हे महीपते, हे राजा धृतराष्ट्र, हे पृथ्वी के मालिक, संजय बोलते हैं, हे पृथ्वी के मालिक, ऋषिकेश को अर्थात भगवान कृष्ण को, अर्थात जो सभी इंद्रियों का मालिक है, जो सभी इंद्रियों के कंट्रोलर हैं, उनको धनुष ले करके शस्त्र चलने की तैयारी है, युद्ध शुरू होने वाला है, और इस क्षण में वाक्यम इदमाह ऐसे वाक्य कहा, किसने कहा? अर्जुन ने कहा। तो संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि अर्जुन ने कृष्ण से, अब मैं आगे जो कहने जा रहा हूं, ऐसे वाक्य कहा। यानी यहां पे चार चीजें हैं, समझ गए? भगवान कृष्ण, धृतराष्ट्र, संजय और यहाँ पे अर्जुन। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं ऐसा संजय ने महीपति अर्थात धृतराष्ट्र से कहा। आगे लीजिए, बहुत ही मजेदार है, आप समझेंगे तो आपको। जी, क्या कहा? इधर चला गया, ऊपर चला गया, एक ऋषिकेश नीचे जाइए, अर्जुन वहां। सेनयोर्भयोर् मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे हाथ ओ अर्जुन वहां पे धनुष उठा के एकदम वीरता के साथ, अब ध्यान, ये चीज मैं आपको बाद में लिंक करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अर्जुन भगवान को अच्युत कहते हैं। अच्युत का अर्थ क्या होता है? एकदम स्टेबल, एकदम स्थिर, जो किसी भी परिस्थिति में भी फेल, मतलब गिरते नहीं है, अच्युत है, एकदम पूरी तरह से स्थिर है। और ऐसे भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं सेनयोः, यानी दोनों सेनाओं के बीच में, मध्य बीच में, उभयो माने ले चलो, रथम स्थापय, स्थापय आप समझ रहे हो, हम मंदिर में स्थापना करते हैं, भगवान की मंदिर में मूर्ति की स्थापना होती है। ऐसा नहीं बोला कि आप मेरा रथ वहां ले चलिए, उन्होंने क्या कहा? हे अच्युत, मतलब हे सबसे ज्यादा स्थिर मनुष्य, सबसे ज्यादा स्थिर व्यक्ति, चेंजलेस, जो अडिग, अडिग जो कह सकते हैं, कि आप हमारा यह जो रथ है उसको दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो। आप समझो कितना रिस्की काम है, कितना रिस्की काम है कि युद्ध की घोषणा हो चुकी, सब कुछ हो गया, और आप जाके बीच में खड़े हो जाओ, तो वहां पे आपके ऊपर अटैक करके आपको उठा के लेके चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा हे अच्युत, अर्थात उनके हाथ में कंट्रोल दिया कि मुझसे ज्यादा आप रिलायबल हैं, तो आप ही ये निर्णय लें, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आप उसको वहां पे स्थापित करें, यानी रथ को वहां पे ले जाके रोक दीजिए, ठीक है? ऐसा अर्जुन ने कहा, ये चीज संजय ने महीपति अर्थात धृतराष्ट्र से कहा। अब आगे क्या होता है, अब यहां से लगभग अब पर्दा खुल चुका है। अब पर्दा खुलने के बाद अब आप थोड़ा दर्शन प्राप्त करेंगे। श्लोक नंबर 22 में, यावदेता निरीक्षे हम योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सहयोद्धव्यम् अस्मिन् रणासमुद्यमे। बहुत ही बढ़िया चीज कही है, मैं ये दोनों साथ में लूंगा, ऊपर का और नीचे का, 22 और 23। योत्स्यमानानवेक्षे हम येतेत्र समागतादार्थ राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। बहुत ही अच्छी चीज लिखी है, आप देखिएगा अर्जुन ने क्या कहा। एक जो अंदर से पूरा निर्मल व्यक्ति है, अंदर से एकदम सेल्फलेस व्यक्ति है, इसीलिए मैंने आपको कहा अर्जुन के पास वो योग्यता थी जो कि भगवत गीता उनको सुनाई जा सके। तो एकदम निर्मल, एकदम सेल्फलेस, स्वार्थ रहित व्यक्ति है। स्वार्थ रहित व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि मैं जरा चलूं, मैं देखूं तो भला कि कौन से लोग मुझसे युद्ध करने वाले हैं, अथवा
इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि मैं ये तो देखूं कि मुझे किससे युद्ध करना है। आपको बात समझ में आ रही होगी। उस समय का सबसे महान धनुर्धर, सबसे ज्यादा बलशाली व्यक्ति, जिसके ऊपर पूरी की पूरी सेना का विजय अथवा पराजय निर्भर करता था, वो भगवान कृष्ण से कहते, हे अच्युत, आप कृपया मेरे रथ को वहां ले चलें, मध्य में स्थापित करें। लेकिन क्यों? पीछे लॉजिक देते हैं। इसलिए आप सबसे यहां हमको क्या सीखना है, सभी लोगों को, कि जब भी कभी आप अपने बड़े से कुछ बात करें तो एक पर्टिकुलर लॉजिक के साथ करें। ऐसे गॉसिप करने के लिए गॉसिप नहीं होना चाहिए। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कोई आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उसके पीछे कोई वेल थॉट, अच्छे से विचार किया हुआ, प्लान किया हुआ, इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए जो हो, ऐसा विचार आपको प्रस्तुत करना चाहिए और फिर अपनी बात को कहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलते फिरते कुछ भी कह दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी ओपिनियन दे दिया, कुछ भी इनपुट दे दिया। ये अच्छे प्रोफेशनल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लाक्षणिकता नहीं है। तो भगवान अच्युत को अर्जुन कहते हैं कि स्थापित करिए, लेकिन पीछे उसका लॉजिक देते हैं। तो लॉजिक क्या देते हैं कि कृपया आप मुझे ये अनुमति दें वहां ले चल के, कि मैं ये देख सकूं कि यावदेता निरीक्षे हम निरी, आप समझो, देखूं नहीं, निरीक्षण करूं, निरीक्षण, क्योंकि ये युद्ध का सबसे कौशल हासिल किया हुआ व्यक्ति है। तो वो एक बार ऐसे नजर घुमाएंगे तो उनको पता चल जाएगा, निरीक्षण करेंगे, आप समझ गए। तो जब कोई अनुभवी व्यक्ति आपके पास आता है, 25 साल, 30 साल, 35 साल का कोई अनुभवी आपका बॉस आपके सामने है, तो वो आपका एक एक एक्शन, आप सांस लेते तो भी उसको पता चलता है, आप मुंह खोलते तो भी पता चलता है कि अब ये क्या करने वाले, क्या सोच रहे हैं। तो बोला, निरीक्षयम्, मैं निरीक्षण करना चाहता हूं, केवल देखना चाहता हूं नहीं, निरीक्षण करना चाहता हूं। तो मैं जब वहां पहुंचूंगा, मैं एक दृष्टि ऐसे डालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कौन क्या है, कैसे है, किसके पास कितनी सेना है, कौन किससे पोजिशन में खड़ा है, कौन किस एंगल पे खड़ा है, कौन किसके सामने खड़ा है, कौन किसके पीछे है, तो और उनके मूड का, उनके अंदर का जो भाव है वो भी मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं युद्ध में क्या हूं, कुशल हूं, युद्ध का मैं बहुत अनुभवी हूं। तो कहते हैं, मैं निरीक्षण करूंगा। युद्ध कामान अवस्थित, युद्ध की इच्छा से आए हुए जितने लोग हैं उनको मैं जरा एक बार निरीक्षण कर लूं। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, अस्मिन्, आप देखिएगा यहां पे, इस युद्ध में, तो कौन सा युद्ध, अस्मिन, यानी चाहे वो जबरदस्ती युद्ध लाया गया हो या हम या उनकी ओर से, उन लोगों की ओर से तो ये युद्ध जानबूझ के किया गया था, इनकी ओर से तो समर्पित भाव था। वो उस समय भी अगर ऐसा निर्णय हो जाता कि भाई युद्ध नहीं करना है, तो पांडव मान जाते कि ठीक है, मुझे युद्ध नहीं करना है, छोड़ो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस युद्ध में जो लोग आए हैं, यहाँ पे इस बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23 नंबर का जो श्लोक इसके साथ में मैं ले रहा हूं, योत्स्यमानानवेक्षेहं य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, दुर्बुद्धे। इन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश किया कि धृतराष्ट्र के साइड में जो लोग भी, ये लोग इकट्ठे हुए हैं, ये सब लोग दुर्बुद्धि के शिकार हैं, ये लोग मूर्ख लोग हैं। कहने का अर्थ ये था, इनको युद्ध में, युद्ध करने क्यों आए हैं ये इनको पता भी नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि ये गैर जिम्मेदार लोग हैं और इनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। क्यों? क्योंकि ये लोग अधर्म के साइड से आए हैं। इसलिए यहां से हमको क्या सीख लेनी है, देखिएगा, इसके ऊपर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रोका नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्जुन करेक्ट था, यहाँ अर्जुन सही थे, अर्जुन सही है, इसलिए भगवान ने इनको कुछ नहीं कहा इसके ऊपर। इस वाक्य पे पूरे भगवद गीता में अर्जुन को टोकते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मालूम है कि अर्जुन जो कह रहे हैं वो सही है। क्या सही है? तो इनके कौरवों के साइड से जो लोग आए हैं वो क्या है, दुर्बुद्धि के शिकार लोग हैं, इनके पास विचार करने की शक्ति का अभाव है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि यहां से हम सीखें, जहां जहां जरूरत है वहां से हमें सीखना चाहिए। क्या सीखेंगे कि यह कोई भी साइड से अगर आप कभी भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, कभी डिस्कशन चल रहा है, कभी
आपको निर्णय लेने की घड़ी आती है तो वहां पे हमेशा हमें अच्छे पक्ष का ही साथ देना चाहिए, ना कि अपनी दुर्बुद्धि को अपने ऊपर हावी होने दें और हम गलत निर्णय लेके गलत लोगों का साथ दें, ये सही नहीं है। तो यहां से हमें ये जानने को मिलता है। आगे लीजिए, अब संजय उवाच, अब ध्यान से देखिए अब क्या हो रहा है। जब अर्जुन ने कहा कि आप ले चलो वहां स्थापित करो, मैं निरीक्षण करूंगा और देखूं कि कौरवों के साइड से जो दुर्बुद्धि के यानी मूर्ख लोग आए हुए हैं युद्ध लड़ने के लिए वो कौन कौन है और कैसे कैसे हैं। तो जैसे ही वो करते हैं तो संजय ने अब धृतराष्ट्र को कहना प्रारंभ किया। बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे मैं दोनों श्लोक साथ में ले रहा हूं, 24 और 25। एवमुक्तो ऋषिकेशो, ऋषिकेशो, देखिएगा मैं आपको आज एक लिंक देने वाला हूं, लगभग आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, आपने बहुत स्टडी किया ही होगा, लेकिन मैं मेरी ओर से आपको ये बताने कोशिश करता हूं। गुड़ाकेशेन भारत, यहाँ तीन लोगों को संबोधित किया गया है। संजय ने क्या कहा, हे भारत, अर्थात पूरे भारत, भारत वर्ष के राजा कौन, संजय इस समय किससे बात कर रहे हैं, धृतराष्ट्र से। तो भारत किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, धृतराष्ट्र के लिए। तो संजय ने धृतराष्ट्र से, संजय उवाच हे भारत, हे भारत अर्थात हे धृतराष्ट्र राजा, भारत कौन, भरतवंशी, जो भारत उनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो भरतवंशी है, तो भरत राजा के वंशज में, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप समझिएगा, उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो इतने महान राजा वंशज के वंशज हो, यानी आप तो अभी भी कुछ सोच सकते हो, कहने का मतलब ये है अभी भी कुछ सोचो अपने खानदान के लिए, अपने कुल के लिए अभी भी कुछ सोचो, हे भारत अर्थात भरत वंश के बारे में सोचो कि ये युद्ध होने जा रहा है, आप अभी भी इसको रोक सकते हो। इनडायरेक्टली संजय ने ये कहा, आप समझिएगा बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, नहीं तो यहाँ वो कह सकते थे हे महीपते और कुछ भी कह सकते थे, लेकिन ये नहीं कहा, उन्होंने उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया। अस्तित्व क्या है, तुम इसलिए आज राजा हो क्योंकि तुम भरत वंशी हो, तुम अपने क्वालिटी से, अपने अपने गुणों के वजह से राजा नहीं हो, तुम राजा इसलिए बने हो क्योंकि तुम भरत वंशी हो, इसलिए आज तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर अभी भी चाहो तो यह अधर्म का युद्ध रोक सकते हो, अन्यथा पूरा भारत अर्थात भरत वंश के ऊपर सवाल प्रश्न खड़ा होगा, ऐसा संजय कहना चाहता है। ये मैं आपको लिंक देना चाहता था। दूसरा, गुड़ाकेशेन, आप देखिएगा गुड़ाकेशेन, गुड़ाकेशेन का अर्थ क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। ये एक इतिहास में लक्ष्मण है, लक्ष्मण ने भी निद्रा पे विजय प्राप्त किया था। तो निद्रा पे विजय प्राप्त करने का अर्थ, यहाँ निद्रा क्या है, तो निद्रा मतलब हुआ आलस्य, निद्रा मतलब क्या हुआ कि आप भान में नहीं होते, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, जैसे कि लोग मदिरा पीने के बाद हो जाते हैं। तो निद्रा का अर्थ क्या हुआ, निद्रा पे विजय प्राप्त करना अर्थात हर एक प्रकार से जागृत होना, हर एक प्रकार से जागरूक होना, यानी आप हमेशा अवेकंड रहते हो, आप हमेशा जो है एक्टिव प्रवृत्ति में आप रहते हो, आप आलसी नहीं होते हैं। तो गुड़ाकेशेन, तो संजय ने अर्जुन का नाम क्या दिया, श्लोक नंबर मैं लिख के बताऊंगा आपको, क्यों लिख रहा हूं वो भी बताता हूं, 1.24 में गुड़ाकेश बोलते हैं, कौन बोलते हैं, संजय, किसको, अर्जुन को, संजय अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं। और अभी आप देखिएगा आगे चल के श्लोक नंबर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप ले लीजिए श्लोक नंबर 47 पे जाइए, श्लोक नंबर 47, इस चैप्टर का लास्ट श्लोक, वहां भी संजय बोलते हैं। आप देखिएगा मैं क्यों आपको बताने की कोशिश कर, हाँ बस जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। यहां भी मैं यहां लिख रहा हूं, कैमरा को जरा इधर आप करिएगा, संजय देखिए, तो यहां भी संजय बोलते हैं और यहां भी संजय बोलते हैं। 1.24 अध्याय 1 के 24वें श्लोक में
संजय अर्जुन को गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का अर्थात जानते हो ना, मैंने आपको बताया गुड़ाकेश अर्थात जो निद्रा पे विजय प्राप्त किया है, निद्रा अर्थात आलस्य और हर तरह की अनअवेयरनेस, इग्नोर, मतलब जब आप जागरूक है, जागरूक है, लेकिन जब संजय श्लोक नंबर 47 पे जाते हैं यानी आगे बढ़ते हैं तो वो क्या बोलते हैं, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये, 47 पे पहुंचते पहुंचते संजय गुड़ाकेश को अर्जुन बोलते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, वही संजय 24वें श्लोक में गुड़ाकेश यानी प्रशंसा करते हैं, इतना इतनी प्रशंसा किया गुड़ाकेश कह दिया, आप समझ रहे हैं, उनके धृतराष्ट्र को भारत कह दिया। लेकिन वही संजय 24-25 श्लोक के बाद जब 47वें में आते हैं तो इनको अर्जुन बोलते हैं, क्यों, यहां आकर के अर्जुन क्या बन गया, कायर बन जाता है, आप ध्यान से समझिएगा। तो वहां पे वो गुड़ाकेश है, क्यों, धनुष उठाते हैं, दोनों रथों के बीच में, सेनाओं के बीच में जाते हैं और जा करके देखते हैं, निरीक्षण यानी योद्धा का लक्षण है वहां पे, वो गुड़ाकेश है, वहां पे वो जीत के लिए है, वहां एकदम एक्टिव है। और जब 47 में पहुंचते हैं तो अर्जुन क्या होते हैं, वो जाके रथ में पीछे छिप के बैठ जाते हैं छोटे बच्चे की तरफ। तो उस समय संजय अर्जुन बोलते हैं, उस समय गुड़ाकेश नहीं बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि वही व्यक्ति जब वीरता से परिपूर्ण है, जब उसके अंदर साहस है, जब एकदम एक्टिव है, उस समय उसको गुड़ाकेश कहा जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने ही संस्था में, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में निष्क्रिय हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करता है, जो हो रहा है होने दो, मुझे क्या लेना देना है, तो जैसे ही इस मूड में आप आ जाते हो तो उस समय आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं होते हो, अच्छे व्यक्ति नहीं होते हो, उस समय आपका नाम कामचोरों में हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे अर्जुन को अब संजय ने अर्जुन कह दिया, अर्थात बचपन का जो नाम है, बाल्यावस्था का, मतलब कि उसके अंदर कुछ नहीं, खाली नाम है, एकदम निष्क्रिय व्यक्ति हो जाता है। तो संजय खुद कितना बुद्धिमान रहे होंगे आप सोचिए। हम वापस जाते हैं उसी श्लोक में, श्लोक नंबर हम 24 पे थे, 24 में कहते हैं एवं उक्तो, ऐसा कहके ऋषिकेश, वापस ऋषिकेश कहते हैं किसको, भगवान कृष्ण को, कौन, संजय। तो संजय ने कहा हे भारत, हे राजन, गुड़ाकेश, मतलब आप सोचो कि धृतराष्ट्र को संजय सामने वाला अर्थात अर्जुन की प्रशंसा करते हुए बोलते हैं कि गुड़ाकेश, गुड़ाकेश ने ऐसा कहा किसको, ऋषिकेश को, सेनयोर भयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमः, ये रथोत्तमम, ये तो मैंने आपको बता दिया। केवल यहां पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, रथोत्तमम, यहाँ क्या लिखा, रथोत्तमम, अर्थात संजय ने इनडायरेक्टली पांडव पक्ष के कृष्ण और अर्जुन का जो रथ है अर्थात उसकी प्रशंसा भी कर दिया, किससे, धृतराष्ट्र से, क्यों, क्योंकि उत्तम से उत्तम, सबसे उत्तम जो रथ है, मतलब क्या हुआ कि कौरव साइड में और पांडव साइड सभी 11-18 अक्षौहिणी सेना को इकट्ठा करूं, दोनों साइड में 11+7 पांडवों के यहाँ 7 अक्षौहिणी सेना, कौरवों के यहाँ 11 अक्षौहिणी सेना, तो 11 और 7 18 अक्षौहिणी सेना में कितने सारे रथ रहे होंगे, मैंने आपको बताया था रथ, हाथी, घोड़े और पैदल, उनका रेशियो था किस तरह का रेशियो, तो अगर एक रथ है, ठीक है, एक हाथी है, 3 घोड़े हैं, तो 5 पैदल है, ये रेशियो था। मान लीजिए आपकी सेना में 10 हाथी है तो 10 रथ होंगे, 30 घोड़े होंगे, 50 पैदल होंगे, ये उनका रेशियो था। तो 18 अक्षौहिणी सेना में अगर आप ये रेशियो देखने जाओ तो ये जो रथ है तो दोनों साइड में ऐसे रथ होंगे, तो मान लो इनके पास 7 अक्षौहिणी है, उदाहरण के लिए मान लो इनके पास 7000 इनके पास रथ है, तो इनके पास मान लो 11000 रथ रहे होंगे, उदाहरण के लिए मैंने स्टैटिस्टिक दिया था आपको पहले, तो 11-7 18000 हो गए अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली तो इतने सारे रथ होंगे, ये रथ कौन सा है, जिसपे अर्जुन सवार है, जिसपे गुड़ाकेश और ऋषिकेश है, ऐसा संजय राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं। आप एक चीज समझो, अगर आप अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो,
आप जिस संस्थान जिस देश में हो जिस राज्य में हो आप उसकी बुराई करो और आपके जो दुश्मन है यानी आपके सामने वाले आप उनकी प्रशंसा करो तो आप वहां पे टिकोगे, आपको कोई नौकरी देगा, आप उस राज्य में रह सकते हो, आप उस राष्ट्र के नागरिक कहलाओगे? नहीं, नहीं ना। लेकिन यहाँ पे संजय कितना तटस्थ है, कितना तटस्थ है, आप समझने की कोशिश करो। गलत है उसको गलत कहते हैं लेकिन बुद्धिमानी पूर्वक, और सही है उसको सही बोलते हैं बुद्धिमानी पूर्वक। तो आपको यहाँ पे संजय से सीख लेनी है, यहाँ पे ऋषिकेश या गुड़ाकेश या भारत से सीख नहीं लेनी है, सीख किससे लेनी है हमको? संजय से। आप समझो संजय एक सिंपल सा एम्प्लॉई है, राजा का सेवक है, राजा का रथ चलाने वाला रथिक, केवल वो रथ चलाते हैं लेकिन उसके अंदर भी इतनी हिम्मत तो है कि अपने राजा को जो गलत है उसको गलत कह सकता है। तो हमें यहाँ से सीखना चाहिए कि हम अपने इंस्टीट्यूट अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सुधारने के लिए हम अपने बॉस अपने जो अधिकारी गण हैं अपने से ऊपर के जो लोग हैं उनको बुद्धिमानी पूर्वक यह बता सके कि ये गलत है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है अन्यथा इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए ये काम जो संजय का है वो हमें सीखने की अति आवश्यकता है इस जमाने में। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। ये कुरुनीति बड़ा बढ़िया शब्द, कुरुन इति आप समझिए, कुरुन कुरुन आधा न है और इति आप देखिएगा, कुरुन प्लस इति दोनों मिलके नी हो गया कुरुन। कई सारे लोग मैंने दो चार वीडियो सुने हैं तो ऐसा नहीं है कि वो गलत होंगे लेकिन मेरी दृष्टि में इसका अर्थ ये नहीं है कि कुरु ने अर्थात कुरुओं अर्थात कौरवों की नीति अर्थात उनकी पॉलिसी, इसका अर्थ कौरवों की पॉलिसी नहीं है, इसका अर्थ है कुरुन प्लस इति, कुरुन प्लस इति। तो आप जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि आप जो नीति समझ रहे हैं वो नीति ऐसा होता है, न पर बड़ी की मात्रा होती है ऐसा होता है और यहाँ पे छोटी की मात्रा, तो ये दोनों में अंतर है। नीति यानी होता है पॉलिसी, नियम रेगुलेशन जो भी आपने बनाया होगा, नीति नहीं बोलते हैं, उसकी नीति खराब है यानी उसकी जो विचार शैली है वही खराब है। तो यहाँ कुरुओं की नीति है ऐसा नहीं है लेकिन यहाँ पे कुरुन प्लस इति है यानी कुरुओं यानी जो ये हमारे कौरव हैं उनके बारे में कहा गया अर्थात कुरु कौरव है ना, इसलिए कौरव ऐसा। तो यहाँ पे कहते हैं भीष्म द्रोण प्रमुखतः, वहां पे सामने पक्ष में कौन है? भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं वगैरह वगैरह, सर्वेशाम और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। महीक्षिताम, आप फिर से देखिए यहाँ पे महीक्षित का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के सभी राजा, पृथ्वी के पति, पृथ्वी के सारे लोग, महान महान लोग यहाँ पे राजा इकट्ठे हुए हैं और उनके अंदर उनको देख करके पश्यैतान उनको देख करके उवाच, उवाच यानी अंदर से आवाज आती है, बोलिया बोला ऐसा नहीं है, कहा ऐसा नहीं है, अंदर से आवाज आई। जैसे आप ओम बोलते हो सुनिएगा, अलग अलग ढंग से हम ओम बोलते हैं तो उवाच कहाँ पे आएगा? तो जब नाभि से आवाज निकले, जब नाभि से आपके बांसुरी बजती है, नाभि से लेकर के आपके ब्रह्मांड तक पूरा वाइब्रेट हो जाता, अनुनादित हो जाता है तो वो उवाच कैसे? कुछ लोग कैसे बोलते हैं? गले से बोलते हैं ओ, कुछ लोग क्या यहां से बोलते हैं ओ, गले से बोलते हैं। आपको नाभि से बोलना है तो जब नाभि से आप बोलते हैं, जैसे देखिए यहां से हवा आपकी जो नाभि है, नाभि से सारे चक्रों को क्रॉस करते करते आपके ब्रह्मांड तक आपके सिर के ऊपरी हिस्से तक जब वो नाद होता है उसमें उवाच होता है, उवाच वहां से उत्पन्न होता है उसको उवाचा कहते हैं। और बोलना किसको कहते हैं? गले से, ठीक है, बोलना। कहना किससे कहते हैं? दिमाग से, तो उवाचा। तो वहां पे अर्जुन ने जिसका नाम पार्थ है, पार्थ, वो पार्थ ने कहा, क्या कहा? आगे चलें, शायद एक श्लोक और ले पाएंगे, है ना।
दस बजे हम सेशन पूरा करेंगे नेक्स्ट। हाँ 26 नंबर का श्लोक लीजिए। यस थोड़ा नीचे कर लो, दिखाई देना इन लोगों को। हाँ बस ये अब समझने की कोशिश करिए। तत्रा पश्यत्सितान पार्थ पितृनाथ पिता महान। मैं कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि इस शब्द के ऊपर फोकस करेंगे। पित्री, ये त्री नहीं है, इसके नीचे डबल री है, पित्री है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे कैसे लिखते हैं, त के नीचे ऐसे दो बार पित्री। अगर मैं केवल पित्री लिखूं, पित्री एक बार लिखूं, तो केवल पित्री यानी आपके पहले के मतलब जो पूर्वज हैं, केवल पूर्वज, और पितृन जहां हुआ यानी डबल, ये दो बार री किया गया। तो दो बार री का अर्थ क्या है, पितृन यानी आज तक के जितने भी आपके पूर्वज हुए हैं, आप समझ गए। पितृनाथ ऐसे उच्चारण कैसे होता है, पित्री, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, तत्रा पश्यत् सिदान पार्थ पितृनाथ पिता महान। ऐसे पित्री बोलना है। फिर क्या है, आचार्यान मातुलान भ्रातृन। अब यहां पे भ्रातृन, यहां पे भी भ्रा और त्री में दो बार आएगा भ्रातृन। केवल भ्रातृ मतलब हुआ आपके नजदीक के भाई बंधु, और भ्रातृन मतलब हुआ जितने भी भाई बंधु हैं, ठीक है, लोगों के 10-12-15 हो सकते हैं, तो भ्रातृ हुए, लेकिन उनके भी भाई 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 भाई, उनके भी बहन 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 बहन, उनके भी बेटे 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 बेटे, पौत्र 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 पौत्र, तो जितने भी, तो जितने भी पूर्वज हुए और जितने अभी हैं, ठीक है, भ्रातृ। तो पूरे समाज को अर्जुन ने संबोधित किया, और क्या संबोधित किया, पितृनाथ भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा, सभी लोग, ठीक है, इसमें लिखा ही है, आप पढ़ेंगे, पिता चाचा ताऊ पितामह गुरु मामा भाई चचेरे भाई पुत्र भतीजे मित्र ससुर, सभी लोग इसके अंदर आ गए। आगे नेक्स्ट वाक्य में लेते हैं, नेक्स्ट श्लोक में लेते हैं, श्लोक नंबर कौन सा है, 29-27। श्वाशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। यहाँ पे कई बार मैंने YouTube वगैरह पे सुना है पढ़ते हुए, तो लोग कई बार ऐसा पढ़ देते हैं, सर्वान् बन्धूनवस्थितान्, तो बंधु नहीं है, बंधु है, बंधु। मैं बार बार आप, क्योंकि ये प्रवचन नहीं है, ये लेक्चर है, मतलब जैसे क्लास ली जाती है, जैसे पढ़ाया जाता है, तो मैं आपको मेरे अनुभव, मेरा जो सीखा है वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेक्चर नहीं, प्रवचन नहीं है। तो बंधून ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध पे बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा है, बंधूनवस्थितान यानी जो भी लोग वहां पे थे सेना के बीच में खड़े होकर के समीक्षा मतलब देखने के बाद, समीक्ष ऐसा कौन थे सर्व बंधून, इसके बाद अब वो आगे कहते हैं, सब निरीक्षण हो गया, सबको देख लिया, छोटे बड़े भाई भाई मामा ससुर जो लोग भी थे सबको देख लिया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी बंधु बांधव हैं यहाँ पे जिनको संबोधित कर रहे हैं अर्जुन, वो सभी के सभी शरीर से पुरुष, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे अंदर से शरीर से पुरुष नहीं भी है, राक्षस जैसे हैं, वो दैवीय स्वभाव सबके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी अर्जुन ने विनम्रता का परिचय दिया। तो हमें हमारे जीवन में हमेशा विनम्र रहना चाहिए, हमें हमेशा व्यवहार आचरण शब्दों में चरित्र में लक्षण में बोलने का तरीका जो है, या लिख करके भी अगर आप देते हैं, तो विनम्रता हमेशा होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, विनम्रता का परिचय दिया अर्जुन ने, और फिर आगे कहा। अब अर्जुन का एक सेंटेंस लेते, एक श्लोक लेते हैं, लीजिए नेक्स्ट। कृपया पर, देखिए वाक्य कहां से शुरू हुआ, कृपया, आप समझो
ठीक है, हम कभी भी किसी, चाहे हमको लगता है कि ये तो मुझसे जूनियर है तो कुछ भी ऑर्डर दे देते हैं। कहीं भी आप हो कृपया शब्द का इस्तेमाल करें, प्लीज कहें, काइंडली कहें, रिक्वेस्ट करें, हमेशा ऑर्डर यानी हमेशा रफ बनने की जरूरत नहीं है। कृपया पर आविष्टो विषेदन्ने ब्रवेत दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। बहुत बढ़िया है, मैं खाली इसका अर्थ बोलता हूं, आपको कुछ बातें करूंगा। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे कृष्ण, देखिए यहां पे उन्होंने कृष्ण शब्द से संबोधित किया और क्या कहा, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहां अपने वंशजों को देखकर, अपने वंशजों को देखकर, स्वजनम अपने लोगों को देखकर, दृष्ट्वेमम मुझे देख करके, हे कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम यहां सब लोग आए हैं, इनको देख करके क्या हो रहा है, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। अब यहां से प्रारंभ हो गया, अर्जुन ने सबको देखा, देखने के बाद अब यहां से आगे अर्जुन का वो निखालसपना, अर्जुन का जो एक स्वार्थ रहित जीवन है वो यहां से दिखेगा। लोगों को यहां अर्जुन की कायरता दिखती है, मुझे नहीं दिखती है। मैं आपको ईमानदारी से बोलूं, मुझे यहां अर्जुन की कायरता नहीं दिखती है। यहां अर्जुन का, अर्जुन एक छोटे बच्चे की तरह है, यहां इसका कोई स्वार्थ नहीं। स्वार्थ होता तो धनुष उठाता और ब्रह्मा को याद करके एक बार मार देता, सब खत्म। लेकिन उसने जीवन में इतने सारे युद्ध किए हैं ना, तो यहाँ कहता है स्वजनम। यहाँ पे आप देखिए, केवल अपने लोग जो है उनको नहीं, उसने इसके पहले वाले श्लोक में ऐसा कहा, मामा नाना उनके सभी परिवार, सभी दूर दूर के भाई, दूर दूर के मामा, दूर दूर के परिवार के लोग भी हैं इसमें, केवल उनके क्लोज परिवार के लोग नहीं है। तो बोला इन लोगों को देख करके अब मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, मैं परेशानी में गया हूं। तो हे कृष्ण, यहां उन्होंने प्रारंभ किया, कृष्ण से प्रारंभ किया कि हे कृष्ण आप जरा ध्यान दो, क्या मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसा कहते हुए आगे क्या बोला, सीदन्ति, आगे लीजिए, मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। मेरा जो शरीर है ना, ये शरीर का रोमा रोमा खड़ा हो गया है और मेरा मुंह सूख रहा है और मुझे बहुत अलग ढंग से गलत फीलिंग्स आ रही हैं। मैं सब एक साथ चारों श्लोक ले लूंगा। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहते। ये सारे श्लोक एक साथ में अगर हम इनका अर्थ समझने की कोशिश करें, इसके बाद हम आज ये बंद करेंगे। क्या बताया इन्होंने कि मेरा शरीर कांप रहा है, शरीर कांप रहा है, आप समझ गए, मेरा महत्वपूर्ण है। मित्रों, मेरे सभी जितने भी श्रोतागण हैं या हमारे देशवासी पृथ्वीवासी, आप सबसे मेरा एक अनुरोध है कि यहां पे आप अर्जुन की कायरता को एक जगह रख दीजिए बगल में, उसकी जगह आप दूसरे पक्ष से सोचिए कि वो कितना निर्दोष भाव से कह रहा है, अंदर से अहंकार नहीं है। नहीं तो उनको देख के बोलता, अच्छा ये लोग मेरे सामने लड़ने आए हैं, मैं देखता हूं कैसे लड़ते हैं, लाओ धनुष उठाता हूं। ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्या उसके अंदर कैसा परम भाव है, कृपाल अंदर से दयालुता का भाव है और उस भाव के साथ अपने लोगों के साथ अपनापन का भाव। हाँ, एक चीज जरूर है यहाँ पे कि अगर उनके अपने लोग नहीं होते तो अर्जुन को शायद ये भाव नहीं आता, लेकिन वहां उसने अपने ही देश के लोगों को देखा, अपने ही राष्ट्र के लोगों को देखा, अपने ही समाज के लोगों को देखा, चाहे वो हस्तिनापुर के हो, चाहे वो काशी के हो, चाहे वो विराट के हो, चाहे वो कहीं से भी हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब हमारे ही लोग हैं, हम अपने लोगों को क्यों मारें। और वो ऐसा मन में भाव आते ही उनके करुणा का भाव आया, दया का भाव आ गया। क्यों? इसका कारण ऊपर कपित ध्वज, आप समझ गए, ऊपर कपित ध्वज
और सामने कौन है, दिव्य भगवान कृष्ण है। तो इनका लक्षण उनके शरीर में उनके मन में आना अनिवार्य था, होना ही था। तो उनके कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे माधव, अब मेरे मुख सूख रहे हैं, मेरे शरीर, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के एक एक जो हर्ष है वो खत्म हो गया, मतलब रोम हर्ष हो गया, यानी रोमे खड़े हो रहे हैं। मैं हे कृष्ण, हे केशव, मुझे अमंगल लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अपने बंधु बांधवों को वध करने में मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, और इनको करके मैं क्या सुख प्राप्त करूंगा, ऐसा करने से क्या होगा। तो ये चीजें आगे लीजिए, ये दो तीन श्लोक ले लें बस। गांडी गांडी वो मेरा खिसकता जा रहा है, गांडी वहां आप सोचो जिसके गांडी से विश्व डर, गांडी मुझसे दूर जा रहा है, हैं? हस्ताक त्वचा जल रही है, हाथ पांव कांप रहे हैं, त्वचा मेरी जल रही है, इसमें कोई अच्छे लक्षण मुझे दिख नहीं रहे हैं। हे केशव, अब यहाँ पे आते आते वो कृष्ण से केशव तक पहुंच गए। केश एक जो उसका वध किया था राक्षस का, तो उस राक्षस के वध करने वाले, मतलब अब अर्जुन कृष्ण को बहुत बड़ा करके देख रहे हैं। अभी तक तो वो उनका रथ का चालक देख रहे थे, अब जब वो खुद इस भाव में चले जाते हैं तो कृष्ण उनके सामने बहुत बड़े दिखते हैं। तो बोलते हैं कि हे, अब बहुत वीर योद्धा की तरह दिखने लगे, तो कह रहे हैं हे केशव, केशव क्योंकि उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ उनका जो राक्षस था उसका खत्म किया था उसको, तो बोले हे केशव, अब मुझे कुछ सही नहीं दिखाई दे रहा है और गलत लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं। ले लीजिए, न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। विजय लेके हम क्या करेंगे, ये सब लोग तो मर जाएंगे, विजय लेके हम क्या करेंगे हे कृष्ण, और राज्य में सुख हम लेकर के क्या करेंगे, उससे हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। किम नो राज्य न गोविंदा, अब यहाँ गोविंद आप समझ रहे हैं, गोविंद मतलब फिर से होता है कि जितने आपके सेंसेस हैं, जितने उनका नोअर, उनका मालिक, उनको जानने वाला, उनको कंट्रोल करने। तो हे गोविंद, गो अर्थात यहाँ क्या हुआ, गाय, गायों को चराने वाला, अर्थात गाय अर्थात होता है यहाँ पे गौ अर्थात इंद्री, तो इंद्रियों को चराने वाले, अर्थात क्यों ऐसा बोला, क्योंकि अर्जुन की जो इंद्रियां हैं वो उनका साथ नहीं दे रही थी, तो उसने गोविंद को याद किया कि हे गोविंद, मेरी इंद्रियां मेरा साथ नहीं दे रही हैं, अर्थात तुम तो आप तो इंद्रियों के मालिक हो, इसलिए मेरी इंद्रियों को आप समझो, आप इनके मालिक हो, यानी समर्पण का भाव आ गया, पूरी पूर्ण भक्ति का भाव आ गया यहाँ पे, इसलिए अब मुझसे तो कुछ हो नहीं रहा है, मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, अब आप मुझे संभालो, अर्थात मेरी इंद्रियों को अब आप कंट्रोल करो, अब आपकी शरणागति मैंने स्वीकार किया, अब मुझे किसी भी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं है, मैं क्या जी के क्या करूंगा, जिंदा रह के क्या करूंगा, इसलिए बोला ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाह सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, यहाँ कृष्ण कह के कहते हैं, न कांक्षे विजयम, कोई विजय नहीं चाहिए, ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुख, मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी धन की, जो सोचो जिसका नाम धनंजय, वो यानी धन को जीतने वाला, वो व्यक्ति कह रहा है धनानी चाहिए, मुझे धन भी नहीं चाहिए, आप सोचो सब कुछ छोड़ छाड़ देने के लिए तैयार हो गए ऐसे केवल निरीक्षण मात्र से। तो ये यहाँ पे ये श्लोक यहाँ इस तरह से खत्म होता है। और अर्जुन का मैं अभी, और काफी लंबा है, मुझे लगता है अगले सेशन में हम इसको पूरा कर पाएंगे, आज काफी समय हो गया है, तो आप सभी लोगों ने समय दिया इसके लिए, इंडस यूनिवर्सिटी और IKS की तरफ से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि मैंने मैसेज में लिखा था कि आप जब सुबह उठें तो कम से कम एक बार से लेके 11 बार तक आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन मन में उठने के बाद, पृथ्वी पे पैर रखने से पहले 10-11 बार 12 बार आप उसका मनन कर रहे हैं तो आपके लिए काफी सुखद रहेगा, आपका दिन अच्छा जाएगा, आप हमेशा शुभ शुभ को प्राप्त करेंगे। ऐसी शुभकामना के साथ मैं पुनः पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। अगले शनिवार को यह
अध्याय एक हम औपचारिक रूप से समाप्त करेंगे। आपके अगर कोई प्रश्न है तो ईमेल करें। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। ओ हरि ओ तत्सत वही सब कुछ है। कौन? वही सब कुछ है, उसका ही सब कुछ है, हम भी उसके हैं। ओम।